और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आज। बड़ी जानकारी, कई अहम मुद्दों पर इस दौरान दोनों ही दिग्गजों के बीच चर्चा होगी। गोहनिया के जयपुरिया स्कूल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त बेहद कड़े किए गए हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनके दौरे को लेकर, प्रयागराज दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, कड़ी की गई है, और किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। मोहन भागवत से मिलने के लिए आप प्रयागराज दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और क्या है पूरा कार्यक्रम प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी का? 12:45 पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात होगी और जनसंख्या असंतुलन समेत कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों ही दिग्गजों के बीच चर्चा है। 1:55 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:40 पर गोहनिया में जयपुरिया स्कूल पहुंचेंगे सीएम योगी। तो क्या है उनके पूरे प्रयागराज दौरे का कार्यक्रम वो आपको लगातार इन पॉइंटर्स के माध्यम से बता रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी जिसमें जनसंख्या असंतुलन एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस बीच सामने आ रही है। माफिया अतीक अहमद की आज कोर्ट में पेशी होनी है। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी अतीक अहमद की। कारोबारी से मारपीट का यह पूरा मामला है जिसको लेकर पेशी आज अतीक अहमद की। लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तौकीर, आज अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी है, कारोबारी से मारपीट का पूरा मामला है, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे केस को लेकर? देखिए, ये पूरा मामला दिसंबर 2018 का है जब लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में रहने वाले कारोबारी मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उनसे अतीक अहमद, उनके बेटे उमर अहमद और इसके अलावा 5 और लोगों ने उनसे रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर उनको देवरिया जेल ले जाया गया और वहां पर उनके साथ मारपीट की गई। तो फिलहाल इस मामले में उमर पर भी आरोप थे, उमर के ऊपर 2 लाख का इनाम था, उनकी तलाश चल रही थी, लेकिन पिछले महीने यानी कि अगस्त में उमर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में। फिलहाल अतीक को इसी मामले में आज लाया जा रहा है पूछताछ के लिए। उन पर भी आरोप तय होंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी पूछताछ होनी है, वो भी लोग लगभग जेल में ही है सभी। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ही आज कोर्ट पहुंचेंगे लखनऊ में। तो क्या समझा जाए, जिस तरह से एक्शन लगातार शासन प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है, आज की इस पूरी सुनवाई पेशी को देखें तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं अतीक अहमद की एक बार फिर? देखिए, मैंने आपको बताया कि उनके बेटे पहले से ही जेल में हैं और दूसरी बात, अतीक अहमद को आज इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उसमें जल्द फैसला आने वाला है। कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर पड़ेंगी क्योंकि अब सजा का ऐलान होना है, कोर्ट अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर पड़ने वाली हैं। और इसी के साथ ही उनके जो अन्य साथी हैं या जो करीबी हैं उनकी लगातार संपत्तियां भी कुर्क हो रही है, चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो। तो लगातार हमने देखा, अभी 7 दिन पहले ही एक टीम इलाहाबाद से आई थी दूमनगंज पुलिस की, जो जिसने विभूति खंड और गोमती नगर में उनकी जो संपत्तियां थी, करीब 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति लखनऊ में कुर्क की गई। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में जहां पर भी उनके करीबियों की संपत्तियां हैं उसको लगातार कुर्क किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमर टूट चुकी है माफियाओं की उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि अतीक अहमद या ऐसे बहुत सारे जो माफिया हैं उन पर लगातार एक्शन सीएम योगी का नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया तौकीर इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कारोबारी से मारपीट का पूरा मामला है जिसको लेकर पेशी आज अतीक अहमद की होनी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तौकीर किदवई हमारे सहयोगी ने भी अहम जानकारी साझा की। और खबरों में आगे बढ़ते रुख एक और बड़ी जानकारी का, बड़ी और अहम जानकारी का रुख करते हैं जो इस बीच सामने आ रही है। आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। बड़ी कामयाबी, एनआईए ने आईएसआईएस सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम कलाम सिद्दीकी बताया गया है। वाराणसी से यह बड़ी खबर, जहां
आईएस का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है आईएसआईएस सदस्य को गिरफ्तार करने में। कलाम सिद्दीकी नाम बताया जा रहा है गिरफ्तार सदस्य का। नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा था कलाम सिद्दीकी। आतंकी से विस्फोटक बनाने वाला सामान भी बरामद किया गया है। इस लिहाज से बड़ी जानकारी, काफी अहम खबर। एनआईए ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वाराणसी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आईएसआईएस आतंकी संगठन का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया, तो साथ ही साथ आतंकी से विस्फोटक बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। तो वहीं बाराबंकी में गिरोह बनाकर जमीन में फर्जीवाड़ा करने वाले अविनाश मौर्य के खिलाफ शिकायत की गई है। जमीन क्रय विक्रय करने वाले अविनाश मौर्य के खिलाफ गौरक्षा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नवाबगंज तहसील के खजूर गांव में जमीन खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने वाले खुद को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का करीबी रिश्तेदार बताते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अविनाश मौर्य पैसे से दबंग भू माफिया है, जो खुद अपने ड्राइवर संगठन के अन्य लोगों के साथ मिलकर खजूर गांव में जमीन की खरीद फरोख्त में एक बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। एएसपी ऑफिस आने का मेरा रीजन ये था कि अविनाश मौर्य जो हैं ये फर्जी ढंग से और धोखाधड़ी करके कई लोगों की जमीनें खरीद बेच रहे हैं, और उसमें कई लोग हमारे संगठन के लोग हैं जो प्रताड़ित हैं। तो इसलिए हमने उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे दी है और डीएम सर के यहाँ पे हमने और एसडीएम सर के यहाँ पे आश्वासन मिला कि कार्रवाई की जाएगी इस पर। देखते हैं कितनी कार्रवाई आगे तक होती है, फिर आगे हमने तो और लड़ेंगे इसके लिए। तो वहीं अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र भुजपुरा इलाज में एक हार्डवेयर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की घटना से अफरा तफरी मच गई। वहीं तो सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक भोजपुरा इलाके में हार्डवेयर फैक्ट्री को बंद कर सभी कर्मचारी चले गए थे। इस बीच लगभग 8 बजे अचानक से शॉर्ट सर्किट से हार्डवेयर फैक्ट्री में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की घटना से फैक्ट्री में लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया है। तो वहीं लक्सर में पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लक्सर रुड़की मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान दो बदमाशों को पुलिस और एसओजी की टीम ने दबोच लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए तीसरे बदमाश को मौके से फरार हो गया। पुलिस का तीसरे बदमाश की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। गिरफ्तार बदमाश मुजफ्फरनगर के निवासी बताए जा रहे हैं। तो वहीं त्योहारों के दौरान ट्रेनों में लंबी वेटिंग के बाद रेलवे ने करीब 6 दर्जन स्पेशल ट्रेनें चलाने की प्लानिंग की है। ये ट्रेनें उत्तर भारत के प्रमुख शहरों के साथ जम्मू, कोलकाता, गुजरात और बिहार सहित कई राज्यों को कनेक्ट करेंगी। इससे हजारों लोगों को दिवाली और भाई दूज के मौके पर लखनऊ सहित यूपी के अन्य शहरों के लिए आवागमन आसान होगा। इन ट्रेनों में एसी, जनरल और अन्य श्रेणी के पैसेंजर सफर कर सकेंगे। हालांकि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में सफर के लिए लोगों को मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में 1.5 से लेकर 2 गुना तक किराया देना होगा। एनएआर के डीआरएम आदित्य कुमार ने बताया कि दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे, इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। तो वहीं दीपावली पर इस बार आगरा जिला जेल गाय के गोबर से बने दीपक से जगमग होगी। आगरा जिला जेल में निरुद्ध बंदी गाय के गोबर से दीपक बना रहे हैं। गाय का गोबर जिला जेल की गौशाला से आता है, जिसे दीपक का आकार अपने हुनर से बंदी बना रहे हैं। आगरा जिला जेल प्रशासन ने दीपावली तक 1 लाख दीपक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं गायत्री पीठ आमलखेड़ा ने 51,000 गाय के गोबर का ऑर्डर दिया है, जिससे दीपावली पर गायत्री पीठ बंदियों के बनाए दीपक से जगमग होगी। इसके बाद आगरा जेल प्रशासन ने आम लोगों के लिए गाय के गोबर से दीपक जिला जेल के गेट से बेचेगा।
तो वहीं आगरा में दीपावली पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। दीपावली को दीपों का त्यौहार कहा जाता है और इस पर्व पर हर घर में दिए जलाए जाते हैं। शहर के शहर जगमगाहट की आगोश में समा जाते हैं। हर कोई अपने घर में चिराग करता है। आगामी पर्व को देखते हुए भी दीपों से सजाए जा चुके हैं और मिट्टी के दीयों की खूब डिमांड की जा रही है। लेकिन प्राकृतिक मार से मिट्टी के दिए बनाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये लोग पर्याप्त संख्या में मिट्टी के दीपक बनाने में असमर्थ हैं। तो वहीं इस बार की दीपावली में एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। दीपावली को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसके साथ ही कुम्हारों के चाक की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें और आपको मिट्टी के दीपक दीपावली पर समय से मिले। जनता टीवी ने इस रिपोर्ट में कुम्हारों की मेहनत दिखाने की कोशिश की है ताकि आप इस दिवाली चाइनीज झालरों और मोमबत्तियों को तरजीह ना दें, अपने देश में हाथ से बने मिट्टी के दिए से अपने घर आंगन को रोशन करें। इस बार भी खास उत्साह दिवाली को लेकर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि एक बार फिर मिट्टी के दिए और बाती का मिलन होगा और इस दिए और बाती के मिलन के लिए लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के ही खास एक इलाका है जो कहते हैं कुम्हारों का टोला। यहां पे खास तौर पे कुम्हारों की एक आबादी अच्छी खासी यहां पे रहती है जो मिट्टी के दियों का निर्माण करती है। आप साफ तौर से ये मेहनत देख सकते हैं और ये मेहनत का ही नतीजा है कि तमाम यहां पे दीपक जो है दिए हमारे लिए बना के रखे गए हैं। ये छत है और पर ही खास तौर पर इसका माना जाता है कि धूप में ही इसका निर्माण किया जाता है क्योंकि बारिश के वक्त इसका निर्माण नहीं किया जाता क्योंकि सुखाना भी होता है। तो खास तौर पर देखिए ये कैसे इसका ये मिट्टी का दिया बना रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इसका मिट्टी का दिए का ये निर्माण कैसे करते हैं और खास तौर पर इसमें क्या क्या चीजें उपयोग में लिया जाता है, क्या सामान्य मिट्टी इसके बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या कुछ अलग तरह की मिट्टी का इसमें उपयोग किया जाता है। हम इनसे ही बातचीत करेंगे। श्याम प्रजापति जी, प्रेम प्रजापति जी, दिवाली नजदीक है और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं मिट्टी के दियों को बनाने में, लेकिन एक सवाल लगातार पूछा जाता है कि क्या ये सामान्य मिट्टी इसमें उपयोग किया जाता है या कुछ अलग तरह की मिट्टी का इसमें उपयोग दियों के लिए किया जाता है? तालाब वाली मिट्टी, तालाब की मिट्टी को उपयोग किया जाता है जी। तो ये देखा जाता है कि आप लोग का कहना होता है कि बारिश में हम नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें खास तौर पे माना जाता है कि इसको सुखाने में दिक्कत होती है। क्या ये हमेशा धूप में ही काम, हम छांव में नहीं बना सकते हैं इसको? छांव में कर सकते हैं मगर धूप में ज्यादा सूखता जल्दी है और गर्मी में है, जून जुलाई में है, जून में तो उसमें जो है छाई में बना सकते हैं। इतनी गर्मी होती है, इस समय बारिश हो गई है तो दिक्कत हो जाती है, धूप में बनता है। पिछले दो सालों से देखा गया कि लगातार कारोबार पे खास तौर पे कुम्हारों के कारोबार पे भी लगातार दुर्दिन देखने को मिला था, लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं क्या वो खास तौर पे मिट्टी के दियों में उत्साहित हो रहे हैं मिट्टी के दिए खरीदने के लिए? जी हाँ, मिट्टी के दिए अब यूज कर रहे हैं तब से, अब बहुत लोग मिट्टी के दिया यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह बहुत कम कर दिए। अब तक आपके पास कितने ऑर्डर आ गए? अब तक 50,000 का ऑर्डर आ गया। 50,000 के ऑर्डर आए हैं, तो क्या ये सिर्फ लखनऊ के हैं या कुछ बाहर के ही शहर के? लखनऊ के। सिर्फ लखनऊ के, तो ये आम ग्राहक भी लेते हैं या दुकान वाले लेते हैं? नहीं, आम ग्राहक। आम ग्राहक मतलब व्यक्तिगत तौर पे? हाँ। तो क्या कीमत होगी एक दीपक की अगर दर्जन में देते हैं या एक दीपक की अगर कीमत जानू तो? हम हजारों के हिसाब से देते हैं, होलसेल में 4,500 देते हैं। 45 रूपए? हाँ, 45 रूपए के 100 दीपक छोटे वाले जी मैम। और ये जो दीपक आप बना रहे हैं इसके क्या कीमत होगी? इसकी कीमत 2 रुपए की है। एक दिए की जी, एक दिए 2 रुपए। दर्जन में अगर कोई लेता है तो? नहीं, यही रेट। तो सबसे ज्यादा मांग किसकी होती है, बड़े वाले दीपक की या छोटे वाले? छोटे वाले, ये तो एक लोग जलाते हैं सिर्फ एक, मतलब छोटे वाले दीपक की दीपावली में सबसे ज्यादा मांगी होती है। तो आप देखिए ये प्रेम प्रजापति जी हैं, प्रेम प्रजापति जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये बड़े दीपक को बना रहे हैं, लेकिन प्रेम प्रजापति से हम भी सीखेंगे और कहेंगे कि आप छोटे दीपक को निकाल के दिखाइए कि कैसे निकालते हैं। प्रेम जी, जो दियाली छोटी दीपक होती है दीपावली में जिसको हम जलाते हैं, वो वाले दिए हम देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि कैसे उसको निकालते हैं आप जी। देखिए अब निकाल लिया, ये देखिए आप खास तौर
पे देख सकते हैं कि ये छोटा वाला दीपक जो हम दीपावली में जिसका उपयोग करते हैं खासतौर पे माँ लक्ष्मी को जलाने के लिए, छतों पे हम सजावटी के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए कितना इसका बनावट क्या खूबसूरत है। तो एक और सवाल है कि जब आप लोग ये दीपक बना लेते हैं तो इस पे जो रंगाई की जाती है वो कैसे की जाती है? वो तो रंगाई कलर बनाया जाता है ना, कलर बनाया जाता है, कलर से करी जाती है उसको रंगाई, कलर किया जाता है जी। तो अभी तो ये मिट्टी सामान्य रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं जी। इसके बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने में कितना वक्त लगता होगा? सुखाने में लग जाता, धूप होती 5 घंटे सूख जाता। मतलब अगर एक कड़ी धूप है तो 5 घंटे में पूरी दीपावली मतलब दीपक जो है वो तैयार हो जाएगा? 5 घंटे में सूख जाएगा। कहीं ना कहीं जो गांव का हमारी जो कला थी, जो गांव की दीपक की रोशनी थी, उसको कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेल दिया गया था, वो कहीं ना कहीं अब हमारे घर को, हमारे आंगन को अब उस दीपक से रोशन करेगी। और कहते भी हैं कि जब मिट्टी के दीपक जलाते हैं घर में तो उसका वो शुभ माना जाता है, मंगल शनि हमारे प्रसन्न होते हैं ऐसा बताया जाता है, ऐसे धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है। तो कुल मिला के मिट्टी के दीयों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम भी अपील करेंगे कि गांव में और इनकी मेहनत को आप देखिए, मेहनत का ही ये नतीजा है। तो कुल मिलाकर आप गांव का जो बना हुआ मिट्टी का दीपक है, जो इन जैसे प्रेम प्रजापति जैसे लाखों लोग मेहनत करके हमारे लिए दीपक तैयार करते हैं इस कड़ी धूप में बैठकर, वो बड़ा मेहनत को आप ही सफल बना सकते हैं। आप इनके दीपक को खरीदिए, मिट्टी के दीयों को जलाइए, क्योंकि लगातार माना जाता है कि जब आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ावा देना है, मजबूत करना है, तो हमें मिट्टी के दीयों का उपयोग दिवाली में करना ही होगा। लगातार चीन के साथ सीमा पर विवाद चल रहा है, उस तनाव के बीच लगातार अब चीन के उत्पादों के खिलाफ अभियान चल रहा है, चाहे चाइनीज झालर हो या मोमबत्ती हो, उसके बहिष्कार किए जा रहे हैं। उस बीच अब दीपक मिट्टी के जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये आपसे अपील है जनता टीवी की भी कि आप अब मिट्टी के दीयों का उपयोग करिए और इनके मेहनत को आप कहीं ना कहीं सराहिए और खरीदिए मिट्टी के दीपकों को, ना कि चाइनीज झालरों को। तो हमने पूरी कोशिश की है कि कैसे मिट्टी के दिए बनते हैं, और खास तौर पे मैं बताऊं तो मैंने भी कोशिश किया कि मैं बनाऊं, लेकिन फिर मैं कहूंगी ये कला है जिसको कोई किसी के हाथों से कला नहीं लिया जा सकता। जैसे कहते हैं कि आप सब कुछ ले सकते हैं किसी से, लेकिन विद्या नहीं ले सकते हैं, उसके हाथ का जो कला है वो आप कभी नहीं ले सकते। वही चीज है कि मैंने भी कोशिश किया बनाने का, लेकिन मैं बना नहीं पाई, क्योंकि प्रेम प्रजापति का ये हाथ का कला है और उस कला को कोई खरीद नहीं सकता है पैसों से, ये सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर अब आपसे जनता टीवी की अपील है कि आप भी मिट्टी के दियो से अपने घर के आंगन को रोशन करें। कैमरे आशीष के साथ मैं जयसंग, जनता टीवी लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में इजाफा हो रहा है। जहां एक तरफ लोगों की लापरवाही से घटनाएं सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यातायात पुलिस का ढीला रवैया भी देखा गया। पहली तस्वीर मिर्जापुर से है, जहां पर शिवाला महंत इलाके में दो कारों की भिड़ंत हुई। इस हादसे में तेज रफ्तार दौड़ रही कार ने सड़क किनारे खड़ी कार में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके से दोनों कारों के बीच टक्कर का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस कार को जब्त कर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर इटावा की है, जहां भरतना कस्बे में दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। तो वहीं तीसरी तस्वीर काशीपुर से सामने आई है, जहां पर कोतवाली के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में बीती रात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार छात्र की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो मृतक पीएचडी का प्रथम वर्ष का छात्र था और उसने जुलाई में ही एडमिशन लिया था। साथ ही चौथी तस्वीर आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर थाना राया क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार भाई बहन सहित 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल युवक को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहाँ पर जब जांच की गई तो जानकारी में आया कि रात को करीब 9-10 बजे IIM का PhD का प्रथम वर्ष का छात्र है, जो अपनी बाइक से देवस्थली की तरफ जा रहा था, किसी अज्ञात ट्रक को साइड देने के चक्कर में आगे टकरा गया और टकरा के रोड में गिर के उसकी डेथ हो गई। उसका साथी जो पीछे उसका दूसरी बाइक में चल रहा था, उसने फिर तुरंत उसको अस्पताल पहुँचाया। पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई तो उसके परिजनों को हमने सूचना दे दी है और पंचनामा और PM उसका करवा दिया गया है। जैसे परिजन आएंगे तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक थाने में कोई तहरीर हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है।
दो बाइक सवार लोग आपस में भिड़ गए, दो बाइक आपस में भिड़ंत हुई है, दो बाइकों की। जी जी। क्या कितने बजे का समय रहा होगा जब घटना हुई है? ये अभी लगभग 8:25 का टाइम, 8:20 का टाइम। अच्छा।